इस शहर के अंदर 17 तारीख को इस शहर की डीपी प्लान पारित हो गई। ये क्या है डीपी प्लान? हमने अलग-अलग नगर सेवकों से, सत्ताधारी हो या विरोधी हो, सबसे पूछा है। वो क्या हितकारी होगी या विनाशकारी होगी, इसके बारे में भी काफ़ी चर्चा की है। लेकिन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका हमें ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी समझा, वो हैं शहर के आमदार श्री कुमार आयलानी जी। आइए आज उनसे पूछते हैं कि ये जो डीपी प्लान बनी है, ये शहर के लिए हितकारी होगी या विनाशकारी होगी। श्री कुमार आयलानी जी, कुछ दिन पहले मैं आपके कार्यालय में आया था। आप धीरज और एक आर्किटेक्ट बैठकर बगल की ऑफिस में बैठ के पूरी डीपी प्लान का अध्ययन कर रहे थे। तो वहाँ पे आपको आर्किटेक्ट का भी जानकारी मिल रही थी कि क्या है ये डीपी प्लान। धीरज भी बैठे थे आपके साथ, तो आपने काफ़ी इसके ऊपर अध्ययन किया है। तो आपको क्या लग रहा है, यह जो नई डीपी प्लान आई है, ये शहर के लिए हितकारी होगी या विनाशकारी होगी? देखिए, जब से मैं आमदार बना था 2009 में, तब से मैंने सरकार से ये मांग की थी कि हमें उल्लासनगर में जो भी दुखदायक बिल्डिंग है, या उल्लासनगर काफ़ी सारा कंजेस्टेड है, उसको FSI ज़्यादा दी जाए। जो हमारे उन दिनों में 1986 से लेके उल्लासनगर में अनऑथोराइज बिल्डिंग बनी, उसके बाद में जब से रानी माँ बिल्डिंग गिरी, सिन्यादीप बिल्डिंग गिरी या गुडमैन कार्टेजेस, तो मेरी हमेशा ही मांग ये रही कि उल्लासनगर में रीडेवलपमेंट होना जरूरी है। लेकिन ऐसा कोई सरकार के पास या हमारे कॉरपोरेशन में ऐसा प्रावधान नहीं था कि हम उसे वापस बनाया जाए। तो इसके लिए मैंने 2009 में से ही, ये जो भी मैंने करेस्पॉन्डिंग की है, ये आप लेटर देखेंगे, मैंने 2009 में मैंने लेटर दिया, 30 नवंबर में 2009 में, कि हमें जो भी उल्लासनगर के दुखदायक बिल्डिंग है, उसके लिए 4 FSI दी जाए। जैसे हमारे जो भी बिल्डिंग्स गिर रही है, उसको हम वापस से बना पाए। सरकार की करेस्पॉन्डिंग चलती रही, मैंने हर अधिवेशन में उस मुद्दे को उठाया, और मेरा ये, मैंने जो भी ये बुक बन गया है, वो सब पूरी सरकार के साथ, CM के साथ, UD के साथ करेस्पॉन्डिंग है, सेक्रेटरी के साथ, इवन प्राइम मिनिस्टर तक भी मैंने सभी लेटर्स लिख से ये मैंने लिखी। आखिर में जब अशोक राज चौहान चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कहा कि मैं आपके उल्लासनगर के लिए मैं स्पेशल FSI दूंगा, लेकिन उनके उतर जाने के बाद में वापस से पृथ्वीराज चौहान जी आए, उनसे भी हमारी सदा वह ये मांग रही कि हमें उल्लासनगर के लिए 4 FSI दीजिए। इसके पहले बेंजामिन सेक्रेटरी, उनके पास भी हमारी काफ़ी सारी मीटिंग्स होती रहती थी, उन्होंने स्पेशल हमें, ये पहली बार महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, उल्लासनगर के लिए उन्होंने क्लस्टर डेवलपमेंट आखिर दे दिया, जिसमें हमें इन्होंने 2 FSI पूरे उल्लासनगर के लिए रेगुलर, चाहे बैरिक्स हो, बिल्डिंग हो, या जो प्रॉपर्टी हो, सबके लिए 2 FSI दिया। इस क्लस्टर में जो प्रोविजन रखा है, 2 FSI तो कम से कम है। आज के डेट में हमारे उल्लासनगर में देखा होगा आपने, उल्लासनगर अनऑथोराइज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, लेकिन वो मुझे आगे चल के नहीं चाहिए कि किसी भी अनऑथोराइज में कोई भी फैमिली अगर बैठी हुई है, आदमी डरा धमका के या अनऑथोराइज होने के कारण उनको लोन की फैसिलिटी नहीं मिलती है, उनको कोई भी बैंक अगर पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ये इलीगल बना हुआ है तो कभी भी टूटेगा, तो वो डर सा रहता भी था। आज हम मैं, कल हमारे परिवार के बच्चे या जो भी रहने वाले हैं, वो सोचते थे हमारा घर पक्का होना चाहिए। तो इस नया डेवलपमेंट प्लान में रेगुलराइजेशन हो जाएगा, एक तो ये बात है प्लस पॉइंट, दूसरा FSI 2 मिलेगी। अभी जो देख रहे हैं अनऑथोराइज लोड बेयरिंग के ऊपर काम हो रहा है, या आदमी लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, दुकान है, अभी हर एक उल्लासनगर एक कंजेस्टेड ऐसा है कि हर एक की फैमिली बढ़ती जा रही है, उनको जगह ज़्यादा चाहिए, तो मजबूरन वो ऊपर का मंजिला या हाइट बड़ा करना, ये करना, तो हम बोलते लीगलाइज हो। आज जितने भी शॉप्स है, बैरेक्स है, जो प्रॉपर्टी है, प्लाट्स है, उसको अगर ज़्यादा FSI मिलेगी तो हमारा उल्लासनगर के आदमी एक तो बाहर नहीं जाएंगे, प्लस घर का घर उल्लासनगर में, इन हाउस में रहेंगे, पूरे परिवार के साथ हम उल्लासनगर में रहते हैं, और इसमें रेगुलराइजेशन हो जाएगा। जो क्लस्टर में जाना चाहते हैं, उसमें 3 FSI भी है, 4 FSI भी है, माने अगर सेलेबल पकड़ेंगे तो उसमें सेलेबल FSI डबल हो जाती है। ये तो ऑफिशियली कारपेट एरिया के हिसाब से, बिल्टअप एरिया के हिसाब से मेजरमेंट, सेलेबल जो बिल्डर लोग लगाते हैं वो तो ज़्यादा ही हो जाती है। इसमें काफ़ी सारे फायदे हैं, ये डेवलपमेंट प्लान इस उल्लासनगर के लिए बहुत अच्छा है। इसके बारे में हमने पूरे आर्किटेक्ट से या सेक्रेटरी वगैरह से भी मीटिंग की है, वो लोग सब खुश है। श्री कुमार जी, आपने कहा कि यह FSI इस शहर की बढ़ेगी, लेकिन जो मैंने जानकारी ली है,
इस शहर को दो भागों में बांटा गया है, एक कंजस्टेड एरिया एक नॉन कंजस्टेड एरिया, और उसके चारों तरफ कंजस्टेड एरिया जो है उसको रिंग रोड बनाया गया है। कंजस्टेड से जो बाहर रहेगा वो नॉन कंजस्टेड में आ जाएगा। नॉन कंजस्टेड में चार FSI होगी, जिसमें से एक FSI बिल्डर को बना के कॉरपोरेशन को देनी है, और दो FSI का जो भी भाव बनेगा वो भाव भर के नगर पालिका को देना है। जहाँ तक कंजस्टेड का सवाल है, वहाँ पे दो FSI की है, लेकिन वो भी वहाँ पे की हुई है जहाँ पे वो लोग क्लस्टर में अगर जाते हैं तो उनको दो FSI का फ़ायदा होगा। अगर वो आदमी इंडिविजुअल जाता है, खुद अपना प्लान, खुद घर के लिए प्लान बनाता है, तो आप क्या बता सकते हैं कि उनको भी दो FSI मिलेगी? जिसको प्राइवेट भी बनाना है उसको भी दो FSI मिलेगी। अगर यहाँ पे भी, अगर रिंग रोड के अंदर भी किसको क्लस्टर में जाना है तो उसको चार FSI मिलेगी, बशर्ते कि रोड का वो विड्थ होना चाहिए। तीन FSI, चार FSI क्लस्टर में ही है, बाकी ऐसा रेगुलर दो FSI मिलेगी, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आज के डेट में एक FSI में आदमी खुश है, लेकिन उनको डबल FSI मिलेगा। हर एक अपना दुकान, बैरक, ब्लॉक, जिसको भी झोपड़पट्टी, रेगुलराइजेशन, सब चीज़ की इसमें प्रोविजन रखी है। रिंग रोड के बाहर जैसा सेंचुरियन कंपनी है, आइडिया कंपनी है, अमरडाय कंपनी है, या रीजेंसी वालों का जो मारल गांव में एक प्लाट है, वो रिंग रोड के बाहर है, बाकी सभी रिंग रोड के अंदर है। आप सेंचुरियन शहर से लेके अब सेंचुरियन के ये बेल्ट में आएंगे तो सभी टोटली रिंग रोड के अंदर है। कुमार जी, ऐसा है कि आपने मुद्दा निकाला धोखाधायक इमारतों का और इलीगल कंस्ट्रक्शंस जो थे, 855 बिल्डिंगों का मामला है, उसको रेगुलेशन करने के लिए एक स्पेशल अध्यादेश आया था, वो आज तक वो मामला आधे में लटका हुआ है, रेगुलराइज अभी तक बिल्डिंगें वो हुई नहीं। अब मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रखता हूँ। एक बिल्डिंग है 7 माले की, वो वीक और धोखादायक हो जाती है, डेंजरस डिक्लेयर की जाती है, उसमें से लोग बाहर निकलते हैं। अब वहाँ पे उसको कंजस्टेड एरिया के अंदर बिल्डिंग है, उसे FSI तो दो ही मिलेगी, वो अगर ऊपर उठाता है दो FSI के अंदर, जितने आज की तारीख में 7 माले की बिल्डिंग है, सारे लोग तो आ नहीं सकते हैं। यदि वो क्लस्टर में जाता है तो आजू बाजू वाले बोलते हैं कि हमको अभी क्लस्टर में आने की ज़रूरत नहीं है, तो वो खाली एक बिल्डिंग ही जो है वो वहाँ पे खड़ी रहेगी, उसको वीकेंड डेंजरस है, लोगों को बाहर निकाला जाएगा, तो वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके वो फैमिलियाँ वहाँ पे रहेंगी कैसे? देखिए, उसमें क्या होगा, जैसे आप बता रहे हैं इंडिविजुअल किसको बिल्डिंग को करना है, उसको दो FSI तो मिलेगी, उसका अगर सेलेबल पकड़ेंगे तो उसका 3.5 FSI हो जाता है। आज जैसा गुडमैन काटेजेज है, उनको 1 FSI मिली, उसमें सभी गुडमैन काटेजेज वाले रहते हैं, उनकी सिर्फ एरिया थोड़ी कम हो गई, लेकिन आज खुश तो है, उनको रेगुलराइज FSI मिली है, रेगुलर बिल्डिंग मिली है, अच्छी बिल्डिंग, नई बिल्डिंग मिली है। तो आज भी अगर समझो आप जो जैसे तरीके से बोलते हैं मेरी इंडिविजुअल बिल्डिंग है, अगर इंडिविजुअल बिल्डिंग को अगर सेलेबल 3.5 FSI मिल जाती है तो बहुत हो गया, सिर्फ थोड़ी एरिया कम हो जाएगी। अगर वो क्लस्टर में जाता है तो उसको 4 FSI मिलेगी, क्लस्टर में 2000 मीटर का स्क्वायर का प्लाट होना चाहिए आजू बाजू का। अगर दो बिल्डर मिलके अगर वो क्लस्टर के लिए देते हैं डेवलप करने के लिए, तो उनका तो जो एरिया है उसको ज़्यादा मिल जाएगा क्लस्टर में। आज मेरी 1000 फुट एरिया या 600 फुट एरिया, 600 का मुझे 900 मिलेगा, 1000 वाले को 1400 मिलेगा या 1300 मिलेगा, तो रूम बढ़ जाते हैं, तो फायदा भी है और नुकसान तो इसमें है ही नहीं। आज देखो हर बिल्डिंग की लाइफ रहती है 30 साल 25 साल 35 साल। मैं अभी भी आपको बताऊं, उल्लासनगर में काफ़ी सारी बिल्डिंग जब 94-95 में उल्वा की रेती आई थी, उल्लासनगर में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स धोखादायक है। आज भी मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, ये कभी भी गिर सकती है। और ये अगर जो आज नया डेवलपमेंट प्लान आया है, अगर आदमी नया बिल्डिंग बनाता है तो उसकी लाइफ नई के हिसाब से अच्छी हो जाएगी, नई बिल्डिंग बनेगी, शहर नया बनेगा, किसी का डर नहीं, किसी को अनऑथोराइज बनाने के लिए किसी का अथोरा नहीं, कॉरपोरेशन कभी देखेगी नहीं, पॉलिटिशियन कभी देखेगा नहीं, पुलिस कभी आएगी नहीं, पेपर वाला कभी आएगा नहीं, काफ़ी सारे फायदे हैं। तो तभी तक कुमार जी वो परिवार रहेंगे कहाँ पे? देखिए, उसके लिए भी कॉरपोरेशन सोच रही है, उसके लिए कि उनको अल्टरनेटिव साइट वगैरह देके, या कहाँ भी आशा ऐसा आशा ना हो कि कोई भी बिल्डिंग अगर गिर जाती है। अभी जिस तरीके से आपने रिंग रोड के बाहर जो हमें फ्लैट्स मिलेंगे कॉरपोरेशंस को, उनको हम अपना अल्टरनेटिव करके दे सकते हैं, बाबा ठीक है ये हमारे 2 साल के अंदर फ्लैट्स बन जाएंगे, एक 200 फ्लैट 400 फ्लैट, उनको इंगेज करके रख सकते हैं, बाबा ठीक है जब तक आप 1-1.5 साल में आपकी बिल्डिंग बन जावे, 2 साल के अंदर बन जावे, तब तक आप इसमें रह सकते हैं। वो तो देखिए, एक बार ये डेवलपमेंट प्लान अभी जनरल बॉडी ने मंजूर किया,
वापस सरकार मंजूर करेगी, फिर उसके ऊपर नए नए बातें और मॉडिफाई करते रहेंगे ना। हमें ये चाहिए कि उल्लासनगर में किसी का नुकसान ना हो, उल्लासनगर वासी खुश रहे, किसी भी दुकानदार को कोई तकलीफ नहीं हो, किसी बैरेक वाले को, किसी झोपड़पट्टी वाले को, किसी बिल्डिंग वाले को, किसी को भी। देखिए आपको मालूम होगा, मेरा पहले आपने इंटरव्यू देखा होगा, हमारे विरोधी आपको मालूम है पूरे उल्लासनगर में बुंगा लेके घूमते थे, एक नंबर से लेके पाँच नंबर तक, घर टूटेंगे, आपके घर उजरेंगे, आप आशियाना टूटेगा, बुलडोजर आ रहा है, जेसी भी आ रहा है। मैं उन दिनों बाहर गया हुआ था स्विट्जरलैंड, मैं वहाँ से जैसे ही आया मैंने आके टीवी पे इंटरव्यू दिया था, किसी का भी घर न उजरेगा। आपको चाहिए वो मेरे पास कैसेट्स पड़ी है, इंटरव्यू पड़े हैं, मैंने उधर आश्वासन मैंने पूरी जनता के सामने मैंने वायदा किया था, किसी का भी दुकान नहीं टूटेगा, किसी का घर नहीं टूटेगा, किसका झोपड़ा नहीं टूटेगा, किसी का दुकान, किसी की बिल्डिंग, कोई नया रोड नहीं निकलेगा, आप निश्चित रहिए। हमारे विरोधी हमेशा उल्टा बोलते रहते, बुंगा लेके घूमते पूरे शहर में, आपका आज घर टूटेगा, आपका जेसीबी आएगी, आपके आशियाना टूटेंगे, आप जागृत हो जाओ, टेप लेके डरा धमका रहे थे। वो क्या राजनीति खेलते हैं, हमें राजनीति नहीं खेलने, हमें पूरी सर्विस देनी है पब्लिक को, सेवा करनी है तो सच्ची दिल से करनी है। ऐसा ही डरा धमका कि हमने तो आज तक देखो, मैं आज भी वो मेरे पास न्यूज़ पड़ा है जिसमें हमने बोला था दावे के साथ किसी का भी घर न उजरेगा। आज मेरे को बताइए एक भी किसी का घर उजरा है क्या? आज ये डेवलपमेंट प्लान है, सजेशन ऑब्जेक्शन जो भी दिए हमारे अपोजिट वालों ने दिए, हमने उनके भी मान्य किए, वो तो करना ही पड़ता है। देखिए डीपी बनती है, सजेशन ऑब्जेक्शन इसके लिए सुना जाता है कि किसी की कोई तकलीफ हो उसको निकाले जाए। हम पॉलिटिशियन इतने 82 कॉर्पोरेटर नगर सेवक है, वो 82 नगर सेवक की सेवा के लिए अपने कॉर्पोरेशन में आते हैं कि पब्लिक अपने अपने वार्ड का सेवा करे। मैं आमदार हूँ, मैं चाहूँगा कि उल्लासनगर किसी का घर उजरे, क्यों किसी का घर उजारेंगे? कुमार जी ऐसे है कि इस शहर में जो प्लेग्राउंड्स थे वो प्लेग्राउंड हटा करके रिक्रिएशन ग्राउंड क्यों किए गए? देखिए कुछ प्लेग्राउंड्स अगर किसी का, अगर उसकी मालकाना हक होगा तो उन्होंने निकाला होगा किसी, अभी देखिए उसके लिए कमेटी थी, मैं डिसीजन मेकर नहीं था। इसके ऊपर भी सरकार है, अगर उन्होंने कुछ भी किया है फिर सरकार उसके ऊपर क्या निर्णय देती है उसके ऊपर निर्भर है। और उन्होंने दूसरे भी प्लेग्राउंड दूसरे जगह यहाँ से निकाल के दूसरी जगह डाले होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा इसमें क्या है, एक प्रोविजन ये भी रखा है कि 30% कॉर्पोरेशन को जगह देनी है, क्लस्टर किसको बनाना है। उल्टा कॉर्पोरेशन के पास काफ़ी सारी लैंड आएगी, काफ़ी सारा उल्लासनगर नया बनेगा, जिसके पास जगह है उसको 30% कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर करके उस शहर को देना है, तो वो भी तो एक प्लस पॉइंट्स है। कुमार जी ऐसा है, आप आमदार हैं, एमएलए हैं, इस शहर के अंदर प्लेग्राउंड्स होने बहुत ज़रूरी हैं, और प्लेग्राउंड्स को अगर रिक्रिएशन ग्राउंड करके दिखाया गया है तो मैं उसका कानूनी स्तर आपको बताऊं कि प्लेग्राउंड जो रहता है रिजर्वेशन की हुई रहती है उसका स्टेटस नगर पालिका चेंज नहीं कर सकती है, जबकि रिक्रिएशन ग्राउंड जो रहेगा उसका स्टेटस बदल सकते हैं जब भी चाहे कॉरपोरेशन आपस में जनरल बॉडी करके उसका स्टेटस कमर्शियल रेसिडेंशियल कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लेग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं उदाहरण दूं कि पूना महानगर पालिका के अंदर वहाँ पे एक ग्राउंड था, प्लेग्राउंड था, उसका एंड स्टेटस कॉरपोरेशन ने वहाँ पे मेजॉरिटी से पारित करके चेंज कर दिया और वहाँ पे एक स्कूल बना जो मनोहर जोशी के किसी रिलेटिव का था, और वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्लेग्राउंड है उसका स्टेटस चेंज करने का अधिकार महानगर पालिका के पास नहीं है। तो आप ये, क्योंकि आप आमदार हैं आपके ऊपर और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अगर इन्होंने मान लीजिए रिक्रिएशन ग्राउंड दिखा भी दिए हैं, उद्देश्य चाहे कोई भी होगा, लेकिन अगर उन्होंने दिखाया है और आपको ये बताया जा रहा है कि प्लेग्राउंड जो है प्लेग्राउंड ही रहना चाहिए, तो आप इसको अपने स्तर पर यूडी में जाकर के, अब भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो पारित करके भेजा वो ही पारित हो जाएगा, वहां पे भी यूडी में आपका एक से रहेगा, अगर आप चाहें तो वहां पे बता के और भी कुछ चेंजेस करवा सकते हैं। तो प्लेग्राउंड्स इस शहर के लिए कब बनेंगे? देखिए मेरी उल्लासनगर जो ये नया डेवलपमेंट प्लान है जनरल बॉडी ने जो भी पास किया है, जैसा आप कह रहे हैं ना कि प्लेग्राउंड, हम भी सोचते हैं इस युवा पीढ़ी के लिए प्लेग्राउंड होना जरूरी है। आपको मालूम होगा मैंने भी अपनी सरकार से मांग की है कि सेंट्रल हॉस्पिटल के पीछे जो बड़ा ग्राउंड है 4-5 एकड़ का, उसको प्लेग्राउंड दिया जाए, और जो खाली प्लाट्स है उसके लिए प्लेग्राउंड दी जाए। इस उल्लासनगर में ये नया डेवलपमेंट में प्लेग्राउंड होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होनी चाहिए, ट्रक टर्मिनल होना चाहिए, टेम्पू स्टैंड होना चाहिए, रिक्शा स्टैंड होनी चाहिए, बाहर से जो टूरिज्म बसेस आ रही है उनके लिए पार्किंग वगैरह होनी चाहिए, उल्लासनगर में हर गार्डन्स होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें इस शहर में चाहिए चाहिए, उसके बगैर नहीं तो शहर अधूरा है। हम चाहते हैं जो भी डेवलपमेंट प्लान के नाम से वो सभी उसमें होनी चाहिए, तभी जाके एक सुंदर शहर, अच्छा शहर बनेगा।
हर फैसिलिटी फायर ब्रिगेड के लिए, आज हमारे 5 कैंप है, हर कैंप को अपनी अपनी फायर ब्रिगेड हो। देखिए उल्लासनगर में अगर फैसिलिटी हो गई तो उल्लासनगर अच्छा है। आज मैं आपको बताऊं, उल्लासनगर में जैसे मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे 30 मंजिले की बिल्डिंग होनी चाहिए, 3 फ्लोर पार्किंग होना चाहिए, बेसमेंट पार्किंग होना चाहिए। आज देखिए आदमी यहाँ से जो भी, देखो आप देखेंगे उल्लासनगर काफ़ी सारे आदमी कल्याण जाते हैं क्योंकि वहाँ पे अम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज ज़्यादा मिलती है, बिल्डिंग नीट एंड क्लीन, उसको स्विमिंग पूल मिलता है, जिम मिलता है, हेल्थ क्लब मिलता है। तो उसी तरीके से उल्लासनगर में भी अच्छे टावर होने चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज़ उसमें होनी चाहिए, इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स सभी उस बिल्डिंग के अंदर अगर होगा तो आदमी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैं तो बोलता हूँ बाहर वाले कल्याण डोंबेल थाना जो गए हैं वो उल्लासनगर में वापस आए। ये हमारा उल्लासनगर, देखिए हम सिंधी समुदाय यहाँ पे मैक्सिमम रहते हैं, महाराष्ट्र रहते हैं, गुजराती है, मारवाड़ी है, मुस्लिम भाई है, कच्छी है, सभी कास्ट के सरदार लोग सभी कास्ट के यहाँ पे रहते हैं। तो कोई भी उल्लासनगर छोड़ना नहीं चाहता है लेकिन मजबूरी क्या है, आदमी को फैसिलिटीज़, बच्चे हैं आजकल जवान हो गए हैं, स्कूल उनको अच्छे चाहिए, उनको रहना खाना पीना थोड़ा उनको लगता है कि हम 5 जगह पे रहे, तो हमारा उल्लासनगर एक 5 बन जाएगा। तो उससे ज़्यादा तो आदमी वो बाहर वाले हम बोलते हैं वापस इधर आ जाए और इधर वाले बाहर ना जावे। यहाँ पे स्पोर्ट्स मना, उल्लासनगर ऐसा कंजेस्टेड हो गया है, जो रिजर्व प्लाट्स थे आदमी लोगों ने वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दिया है, तो जो आज ओपन प्लाट्स है, एक बार सुनिए ना, हम भी चाहते हैं कि वहाँ पे अच्छी सारे बच्चे लोग के लिए खेल कूद के ग्राउंड्स होने चाहिए, बगीचे बाग बगीचे होना चाहिए। कुमार जी, अब सबसे बड़ा बर्निंग इश्यूज शहर का है कल्याण अंबरनाथ रोड, उसकी विड्थ बढ़ाई जा रही है 100 फीट, कोई बोल रहा है, कोई 100 फीट बोल रहा है, 120 फीट कर देंगे। तो ये दुकानदार भाइयों के बारे में आपने सोचा है कि ये लोग आखिर जाएंगे कहाँ? क्या उसका कोई दूसरा पर्याय आपने सोच के रखा है? क्योंकि लोगों के अगर दुकान चले जाएंगे, लोग अगर रास्ते पे आ जाएंगे तो उनका क्या होगा? और उसका एक दूसरा भी पहलू बताया गया है कि अगर साईं बाबा मंदिर से लेकर के शांति नगर तक एक बड़ा फ्लाईओवर करके बनाते हैं, जाकि ट्रैफिक ऊपर से ऊपर ही निकल जाए तो नीचे के दुकान बच सकते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। तो आप इसके बारे में क्या सोच रखते हैं? देखिए हमने फ्लाईओवर की भी मांग की है कि 17 सेक्शन से लेके साईं बाबा मंदिर तक फ्लाईओवर हो, लेकिन अभी जो 100 फुट का ये ओल्ड डीपी में प्लान है भाई, ये 100 फुट डीपी में रोड होना चाहिए। आज आपको मालूम होगा कि ये डेवलपमेंट प्लान को 100 से हमने पहली बार रोड छोटा किया है। 80 पूरे उल्लासनगर में जो भी रोड देखे होंगे तो हमने 2-2.5 फुट बढ़ाया, यहाँ तो नहीं बढ़ाया एक एक बाजू, लेकिन एक ही रोड है जिसको हमने 20 फुट कम किया है। आज माना ये शांतिनगर से लेके आपको साईं बाबा मंदिर तक पूरा 3 नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार, वहाँ हमने डीपी में 80 फुट का रोड किया है। ये 80 फुट का हम पास करवाएंगे सरकार से, और मेरी व्यापारी भाइयों से भी मीटिंग हुई थी, वो 5-5 फुट 7-7 फुट आपस में एडजस्टमेंट करके देने के लिए खुश है। इसमें कुछ दुकानें मैं मानता हूँ जा रहे हैं, लेकिन उसका भी अल्टरनेटिव हम साईं बाबा मंदिर के पास में एक सरकार का प्लाट है, कॉरपोरेशन का प्लाट है, उसको वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि उनको मार्केट बना के या कुछ उनको ऐसा प्रयोजन करें कि जैसा वो बेचारे रोड पर ना आए। हम भी चाहते हैं कोई भी दुकानदार माना जो बरसों से बैठा है, जिसका परिवार का पूरा उसके ऊपर ही डिपेंड है, तो दुखी ना हो, को आशियाना मिलना चाहिए, रोजी रोटी उनका होना चाहिए। और जो दुकानें हैं उनको ऊपर 2 फ्लोर बनाने का हम परमिशन भी देंगे लीगली, तो जो भी दुकानें हैं उनको ऊपर समझो अगर 5-7 फुट गया किसका तो। और काफ़ी सारे दुकानें नहीं भी जा रहे हैं, आप देखेंगे शांति नगर से लेके 17 सेक्शन तक 80 फुट मिल रहा है, कहाँ पे 2-3 फुट का फर्क है। सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार है शिवाजी चौक तक, वहाँ पर थोड़ा तकलीफ है। देखिए कुमार जी, ऐसा कहा जाता है कि 74 की यहाँ पे प्लान थी, उस समय काफ़ी 40 फीट और 60 फीट के रोड बनाए गए थे, दिखाए गए थे उस डीपी प्लान में, लेकिन आज तक वो बने नहीं। ठीक है, हर बार ये बताया जाता है कि कॉरपोरेशन के पास फंड्स ही नहीं है। और ये अब जो दूसरी प्लान आप लोगों ने बनाई है डीपी प्लान, ये 2035 तक होगी, तो फंड्स तो है नहीं नगर पालिका के पास। तो ये जो सब रोड बताए हैं आप लोगों ने, ये रोड इतना करेंगे या ये रोड इस प्रकार से बनेगा यार, उसके लिए महानगर पालिका के पास पैसे कहाँ से आएंगे? एक, और दूसरा मान लीजिए 30% क्लस्टर में दिया भी उन लोगों ने, वो तो प्लाट दे देंगे, रोड टच प्लाट उनको देना है जो आपने कानून बनाया है। अब उसके ऊपर एमिनिटीज कैसे बनेगी, उसके लिए फंड्स कहाँ से लाए जाएंगे, रोड्स नए कैसे बनेंगे? अब हम देख रहे हैं इस शहर के अंदर जो पहले वाले रोड हैं उनकी इतनी दुर्दशा है कि 1 नंबर से 5 नंबर तक अगर आदमी जाता है तो उसकी कमर टूट जाती है अगर
टू व्हीलर पे जाता है तो रोडों की हालत पहले ही उसको ही आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे का सपना दिखा करके लोगों को बता रहे हैं कि ये डीपी प्लान बहुत ही अच्छी है, इससे शहर का विकास होगा, तो कैसे होगा? देखिए, आपने कहा कि रोडों की हालत खराब है, ये मैं भी मानता हूँ, ऐसा नहीं कि ये नहीं है। आज आपने देखा होगा, दो तीन तीन साल से जब से मैं आमदार बना हूँ, पूरे उल्लासनगर में नई पाइपलाइन आ रही है, नई टाकियाँ बन रही है। देखिए, कोई भी नई पाइपलाइन, देखिए आज आपने देखा होगा 6 इंच से लेके 3 फुट तक, 2.5 फुट तक पूरा मशीन, जेसीबी, पोकलेन मशीन से खड्डा खोद के पाइप्स डाले जा रहे हैं। वो किसके लिए डाले जा रहे हैं? पूरे शहर के लिए, पूरे शहरवासियों के लिए, जिसके लिए हमें रोड खोदना पड़ रहा है। रोड खोदने की वजह से हम भी मानते हैं टूटता फूटता है, आजू में देखिए मशीन तोड़ती है तो आजू बाजू में ऐसा लगता है कि डैमेज हो गया, उसके अंदर पाइप्स पड़ रहे हैं। आज ये पानी की लाइनें इस साल के अंदर 2014 में पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद में हमारा एक ही टारगेट है, पानी बराबर मिल जाएगा तो उसके बाद में रोड का, अभी हाल ही में अगले हफ्ते से आप देखना रोड का काम चालू हो जाएगा, आने वाले समय में अप्रैल मई तक काफ़ी सारे रोड बन जाएंगे। देखिए, हम भी सिस्टम से काम करें, आज रोड बनावे वापस उसको खोदने को करेंगे, पब्लिक बोलेगी देखो सरकार का पैसा गंवा रहा है। हम भी सोचते, हमारा भी घर है उल्लासनगर में, हमारे भी बच्चे उल्लासनगर में, हमारे भाई बहन उल्लासनगर में, हमारे सीनियर सिटीजन उल्लासनगर में है, हम चाहेंगे क्या रोड खराब बने या वापस शहर में नुकसान करे? पानी की लाइनें सिस्टम से चालू, आज हमने लाइनें डाली है, जब टाकी में से ये चेक होगी अगर किधर बस्ट हो गया लाइन या किधर टूट गई, वापस से हमें रोड खोदना पड़ेगा। हाल ही में हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी की जैसे ही समस्या दूर हो जाए रोड का काम चालू करेंगे, और हमारा महीने के अंदर आप देखना किस तरीके से हमारे रोड के काम चालू हो रहे हैं। तो कुमार जी, आखिरी में मैं आपसे ये आश्वासन ले लूं कि इस शहर की जो नई डीपी प्लान है ये इस शहर के लिए वरदान होगी। देखिए, आदमी लोग याद करेंगे ये जो डेवलपमेंट प्लान आज 40 साल के बाद में पहली बार यहाँ पे उल्लासनगर में आया है। हम तो चाहते हैं कि पूरे उल्लासनगरवासी सभी खुश रहे, खुशहाल रहे, नए आशियाना बने, नया घर बने, जिसको बनाना है बनावे, नहीं बनाना तो अपने घर में रहे, लेकिन किसी का उजरे नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है, किसी का भी घर टूटे नहीं, किसी को भी हम देखिए बातें करके हमें वो नहीं बोलना है, हमें प्रैक्टिकल करके बताना है कि यार चलो उल्लासनगर वाली दुआ तो करेंगे यार, कुछ इनके टाइम पे भी कुछ अच्छा काम हुआ था, हम जो वायदा किया है वो हम पूरा करना चाहते हैं कि उल्लासनगरवासी हमेशा खुश रहे। श्री कुमार ऐलानी जी, ऐसा है कि आपके विरोधियों ने बहुत आवाज़ उठाया है और कुछ हद तक सही भी लग रहा है, लोगों को, जनता को ऐसे सही लग रहा है कि आपकी एक मोनार्च करके कंस्ट्रक्शन चल रही है शांति नगर के बाजू में, जहाँ पे आपका बेटा भागीदार है। उसके सिवा हरमन मोटा नाम की कंपनी भी आपने ली है, उसमें भी आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। उसके अलावा ऐसे भी बताया जा रहा है कि आप कोनार के भागीदार हो और इस पूरी नई डीपी में से कोनार को भी कुछ फ़ायदा होगा, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं कोनार का कोई पार्टनर नहीं हूँ, नहीं मेरा कहाँ पे भी पार्टनरशिप है। हाँ, मेरा बेटा काम करता है मोनार्च के साथ में, पार्टनर है, लेकिन मैं ना नहीं बोलता हूँ, थोड़ा बहुत उसका शेयर है। हरमन मोटा मेरे बेटे ने थाना की होटल बेच के, हरमन मोटा 1.5 साल पहले एक कंपनी ली थी, जहाँ पे अभी उसकी दिल थी कि मैं थाना नहीं जा रहा हूँ तो मैं यहीं पे अपने शहर में छोटा मोटा काम करूँगा, तो उन्होंने ओपन लाइन चालू किया। बिजनेस करना, देखिए हम लोनावला में जाके बिजनेस करते हैं, आज हम बाहर जाके बिजनेस करते हैं, तो अपने शहर में हम बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा कोई है क्या? अगर एक आधा काम अगर हम परिवार के बाजार से लूट के खावे जैसे वो दूसरे अपोजिट वाले खाते हैं, हम अपना मेहनत मजदूरी से कमा के खाते हैं। मेरा बेटा अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं लग रही है। देखिए, आज हम बचपन से बिजनेस करके अपना गुजरान किया है, तो अभी भी उसके ऊपर ही डिपेंड है, कहाँ ना कहाँ तो हम धंधा करेंगे ना। जब भी हम लोनावला में कर सकते हैं, थाना में कर सकते हैं, तो उल्लासनगर में क्या तकलीफ है? या हमने उल्लासनगर में कोई लैंड ली पैसा दे के लिए? अगर किसी को भी कोई, हाँ सरकार की कोई प्लाट लेवे, कोई किसी से ऐसे हड़प करे तो अलग बात है। ऑफिशियली मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिशियली सब कुछ है, लीगली है। हरमन मोटा कंपनी आज इतनी बड़ी कंपनी, इतने बरसों की 50 साल पुरानी कंपनी है, वो इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्री ले लिया, तो उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं लग रही है कि एक जगह बेच के दूसरी जगह कोई लेवे। तो कुमार जी, ऐसा है कि बताया जा रहा है पर्टिकुलरली मोनार्च का जो है कंस्ट्रक्शन, वो एक नदी के किनारे पे या नाला का, ये नदी का, ये जो भी आपको कहना है कह सकते हैं, उसके किनारे से लग करके बन रही है। इन्वायरमेंटल लिहाज के वहाँ पे क्लियरेंस नहीं होना चाहिए, वहाँ पे आप बिल्डिंगें बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, क्योंकि आप आमदार हो,
और इस शहर में आपकी सत्ता है, इसके लिए कुछ वायलेशंस करके, कुछ गड़बड़ियां करके वहां पे आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप है। देखिए, मेरी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है। मुनराज की जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो कायदे के हिसाब से एज पर प्लान चल रही है। वो एज पर प्लान बिल्डिंग बना रहे हैं। कॉरपोरेशन ने उसका 4 करोड़ रुपया उसकी प्रीमियम लेके, जो प्लान पास करने का जो भी उसकी फीस वगैरह लेके ऑथोराइज किया है। आज नाले का वो जो है टाउन प्लानिंग, देखो टाउन प्लानर सेंक्शन करता है, उसके बाद में कमिश्नर साइन करता है, उसके बाद में रेगुलाइज होता है, आदमी फीस बढ़ी जाती है। तो ये सब प्रोसीजर कोई उल्टे नहीं होते हैं। आज किसी का भी अगर प्लान पास, अभी मोनार्च के बाजू में जवाहर होटल वालों का काम चालू है कमर्शियल, वो भी नाले के साथ में है। अभी बाजू में अनिल होचंदानी का बिल्डिंग आ रहा है, काफ़ी सारे कल्याण में इधर उधर, वही नाला, वो नाला है। अभी ये आदमी कुछ भी ये देखिए, आज पहलुमल कंपाउंड, वहाँ पे जितने भी आप इंडस्ट्रियल शेड देखोगे वो नाले से ही है। अंबरनाथ में फैक्ट्रियाँ है, बिल्डिंग्स है, वही नाले के साथ में ही है। लेकिन डेवलपमेंट प्लान में वो नाम से है ना, कितना डिस्टेंस पे छोड़ना है, उसके बाद में ही टाउन प्लानर प्लान पास करता है, नहीं तो नहीं करता है। आज इलीगल वहाँ पे बनेगा भी नहीं, ना ही कोई बनाने देगा ऐसा मौसम में। हमारे विरोधी तो ऐसे बैठे हैं कि किधर कुछ भी उल्टी बात हो तो उसको ये सुलटी को उल्टी करते, तो उल्टी को सुलटा नहीं करेंगे। कुमार जी, ऐसा है कि ऐसे आपके विरोधी, विरोधियों का कहना है, वो बोंगा लेकर के पूरे शहर में भी ऐसे आवाज़ कर रहे थे, बता रहे थे लोगों को, जनता को बता रहे थे कि ये जो नया डीपी प्लान बना है ना, वो कुछ चंद लोगों के फायदे के लिए बना है। भाई, वो जीवन इंदानी ग्रुप है, उनके कुछ प्लाट्स पड़े हुए हैं, उनको क्लियर करवाना है। होचंदानीज हैं, उनके कुछ प्लाट्स क्लियर करने हैं, आपके कुछ प्लाट्स क्लियर करने हैं। कोणार्क ग्रुप यानी कि महेश अग्रवाल और जो पार्टनर्स हैं, उनके कुछ प्लाट्स उनको क्लियर करने हैं। तो यहाँ तक बोला जा रहा था कि आगे चल के जिस प्रकार से कोणार्क शहर के ज़मीनों पर और अन्य चीज़ों के ऊपर हावी होती जा रही है, इस उल्हासनगर शहर का नाम बदल के ही कोणार्क नगर हो जाएगा। तो आपको क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये डीपी कोणार्क के लिए नहीं बनी है, अनिल के लिए नहीं बनी है, कुमार के लिए नहीं बनी है, ये पूरे शहर के लिए बनी है। देखिए, इसमें शहर में किसी के पास भी लैंड होगी, या ब्लॉक होगा, बैरेक होगा, झोपड़ा होगा, सबके लिए है कायदा, किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं है। पूरे उल्लासनगर के लिए हमने 2 FSI करवाई, किसी पर्टिकुलर के लिए करवाई? ये फायदा क्लस्टर का। अभी देखिए, मेरे पास अगर जगह है, या कोणार्क के पास जगह है, या ABC किसी और के पास जगह है, ये तो पूरे शहर को फायदा मिलने वाला ना। आज एक पर्टिकुलर के लिए कायदा सरकार नहीं बनाती है, या ना हमने बनाया। हमने सरकार से मांग की कि धोखादायक बिल्डिंग के लिए 4 FSI दी जाए, या इस उल्लासनगर कंजेस्टेड को 1 FSI दी जाए। ये सरकार ने दिया है, कोई कोणार्क ने नहीं लाया, कोई रीजेंसी ने ये नहीं लाया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, कोणार्क वाले या रीजेंसी वाले या नील या जीवन, वो क्या बिजनेस नहीं कर सकते हैं क्या? इस शहर में, इस शहर के रहने वाले हैं, इस शहर में बिजनेस करते हैं। आज हमारे महेश मारवाड़ी जी, जिस जो आपने बोला, उन्होंने आज वो पुणे में बिजनेस कर रहा है, थाना में कर रहा है, न्यू बॉम्बे में, वाशी में कर रहा है, डोंबेली में कर रहा है, उल्लासनगर में नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है क्या? उल्लासनगर वाले को ऐसा अपोजिट क्यों बोलते हैं? अंजन जेठानी जी, वो पूरे इंडिया में काम कर रहा है, 18 जगह पे उसके कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, टेंडर। आज रीजेंसी ग्रुप वाले के बाहर काम चलते हैं, लेकिन उल्लासनगर में नहीं कर सके, ऐसा कुछ है क्या? अभी जीवन इदनानी जी, उसका कौन सा लैंड है उल्लासनगर में? मुझे तो बताइए कोई, ये जीवन इदनानी का लैंड है? इलीगेशन लगाने में देखिए, आज कुमार अली ने कौन सा लैंड है? मेरा बिजनेस है लोनावाला में, अगर मेरे बेटे ने थाना बेच के अगर कोई जमीन ली तो उसमें क्या गुनाह है? किसी को भी देखिए, आज उनको हमें बदनाम करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। आज मैं पूरा दिन सवेरे से लेके ऑफिस में बैठा रहता हूँ, मेरे लिए कोई बतावे तो सही, कोई उल्लासनगर में इतने काम चालू है, किसी का कुमार ने किसी का तुरवाया हो, किसी के खिलाफ बोला हो, किसी के लिए आवाज़ की हो, या हमने विरोधियों के लिए नहीं बात करते हैं। विरोधी भले मेरे लिए कुछ भी बोलते हैं, विरोधियों का एक बात बताइए, हीराघाट पे प्लाट है, वो हमें मालूम नहीं क्या उनका रेजिडेंशियल कैसा हुआ? उसके घर का जो रोड है वो छोटा कैसे हो गया, हमें मालूम नहीं है क्या? फिर भी हम देखिए, हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, उनके जैसा नेगेटिव नहीं सोचते। देखिए, आज पूरे शहर में वो गलत हो गए ना, जो जो बातें शहर में की, तुम्हारा घर जाएगा, तुम्हारा घर टूटेगा, तुम्हारा दुकान टूटेगा, तुम्हारी बिल्डिंग टूटेगी, तुम्हारा वो टेप लेके मेजरमेंट करवा रहे थे, सबको डरा धमका रहे थे। आज पब्लिक के सामने कौन झूठा है, कौन सच्चा है? मेरे को एक बात बताइए, बाढ़ ऐसा चिल्लाते हैं, जनरल बाड़ी में क्यों नहीं चिल्लाते हैं?
ऐसी कौन कौन सी बात हो गई? जिस दिन डेवलपमेंट प्लान पास होना है उसी दिन दोनों क्यों नहीं आए, पप्पू कालानी क्यों नहीं आया? नहीं, उनका ऐसा कहना है कि श्रीमती ज्योति कालानी जी को तबियत खराब हो गई, उनके बीपी का प्रॉब्लम हो गया। अच्छा। और मनोज लासी जी को कोर्ट का आदेश ऐसा था, उनको जो जहाँ से गोडसे जी अगर उनको देते थे एजॉन की हुई मीटिंग का लेटर, तो वो अगर वो कोर्ट को दिखाते थे तब उन्हें अनुमति मिलती थी, आ सकते थे। ये उनका स्पष्टीकरण वहां से हुआ है। मैं उनसे जवाब पूछना चाहता हूँ। बीमार है तो देखिए, एक बात सुनिए, आदमी बुखार भी हो, 101, 102, 103, इतना इमरजेंसी है, अगर विरोध करना था बाजार में कर सकते, तो उधर जनरल बॉडी में क्यों नहीं? आज कम से कम हमें इतना मालूम है, उन्होंने हमें फेवर किया है, माना हम सही है तभी फेवर किया ना। देखिए, रूलिंग पार्टी सही है, जो बीजेपी, सेना, आरपीआई, साईं पार्टी, मनसे ने जो मुद्दा उठाया था कि ये डेवलपमेंट प्लान सही है, तो इसका मतलब उनको भी लगा ना, हाँ ये सही है। फिर इतना 4 महीना पब्लिक को 6 महीना गुमराह क्यों करना, क्यों डराना, क्यों काय के लिए करना? हम इतना शहर के लिए देखिए अच्छा किया, उनको भी लगा हाँ ये सही कर रहे हैं, आखिर लास्ट के दिन उनको लगा नहीं हाँ ये सही बात है। तो आपको सच होता है, झूठ झूठ होता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अंत में उन्हें पता चला कि ये डीपी बिल्कुल सही रूप से सही बन रही है और इसी के लिए नहीं आए, और कोई कारण नहीं था? देखिए, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप भले कुछ भी बोलिए, आज वो लोग खुश है डेवलपमेंट प्लान से, इतना तो पूरा शहर जानता है। और आप भी खुश हैं? हम भी खुश हैं और शहरवासी भी खुश है। आज एक मेरे को बताइए, जब से डेवलपमेंट प्लान का बाजार में, आज जो भी जनरल बॉडी, पहले पब्लिक आती थी, एक भी पब्लिक नहीं आई, क्यों? सबको मालूम है मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। हमने सबको, पब्लिक को समझाया, सभी भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, आरपीआई हो, साईं पार्टी हो, सभी ने अपने अपने वार्डों में, अपने अपने शहरवासियों में, सब में मैसेज दिया कि किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं है और आला रहे पी। आप बताइए ना, कोई भी आपको दुकानदार मिल रहा है या पहले जैसा था?